एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ काउंसलिंग। आई एम वैभव, मेडिकल स्टूडेंट एट NDMC मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका MCC का राउंड 1 का रिजल्ट आया था, उसमें दिल्ली कोटा की काउंसलिंग क्या गई है, उसकी कट ऑफ क्या गई है। जो दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस थे, BMMC, MAMC, RML, UCMS, LHMC, इन सब की कट ऑफ क्या गई है, ठीक है। और मैं इसको कंपेयर करूँगा 2022 की कट ऑफ से लेकर 2023 की कट ऑफ तक, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि जो पिछली ईयर कट ऑफ गई थी और जिस साल कट ऑफ गई है उसमें क्या डिफरेंस है, एक्चुअली में बढ़ी है कट ऑफ या घटी है, ठीक है। और हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि IPO की कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली आपके लिए कंपेयर करूँगा कि जो IPO की जो DO की कट ऑफ जो है ऑल इंडिया से, वो बढ़ी है या फिर घटी है, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि आपकी कट ऑफ इस साल क्या जा सकती है, ठीक है। तो मैं आपको बात करूँगा कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस मिल सके पूरा अच्छे से, ठीक है। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और बहुत अनलिस लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जनरल कैटेगरी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ गई है इस साल, जो आपका UCMS और RML जो बंद हुआ है, वो हुआ है आपका लगभग 3000 रैंक के आसपास, 3000 रैंक के आसपास। और जो यही जो कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी, वो गई थी 2200-2300 तक, वो बंद हो गया था। तो मतलब इस बार देखने को मिल रहा है कि जो इस साल जो कट ऑफ है रैंक वाइज, वो कम गई है। इस वीडियो में जितनी बात बताऊँ ना यार, देखो वो आपको रैंक वाइज ही कंसीडर करनी है, नॉट मार्क्स वाइज, ठीक है। रैंक वाइज कंसीडर करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कोई कमेंट नहीं करेगा कि मेरे मार्क्स इतने तो क्या होगा, नहीं, रैंक वाइज, ठीक है। तो इस साल की जो कट ऑफ है वो रैंक में थोड़ी सी नीचे गई है जनरल कैटेगरी की। तो मतलब लास्ट ईयर अगर 2300-2200 पे RML या UCMS बंद होने के बावजूद NDMC या फिर BSA 5500 रैंक, यानी 5500 रैंक तक मिल गया था, तो इस बार तो 3000 तक बंद हुआ है। तो इस साल NDMC और BSA कट ऑफ कम जा सकती है, यस, थोड़ी सी कम जाने की उम्मीद है। मैं बताऊंगा कितनी, और ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं डिस्कस करूंगा इस चीज़ को। देन अब बात करते हैं EWS कैटेगरी की। जो EWS कैटेगरी से जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी, वो गई थी 5000 के आसपास RML या UCMS की। बट जो इस साल जो कट ऑफ खिसक के वो आ गई है 6600, यानी 6500 के आसपास आ गई है। तो मतलब इसमें भी कट ऑफ में थोड़ी सी कमी आई है रैंक वाइज, ठीक है। मार्क्स वाइज तो ज़्यादा गई होगी नहीं, रैंक वाइज देखना आपको, ठीक है। तो लास्ट ईयर अगर इतनी 5000 पे बंद होने के बावजूद जो EWS कट ऑफ 9000 तक चली गई थी फॉर NDMC मेडिकल कॉलेज, तो इस साल थोड़ी सी कम जाने की उम्मीद है। कितनी ये बताऊंगा आपको, ठीक है। मैंने कोई आइडिया दे दिया, बट एक शॉकिंग बात यह है कि जो OBC कैटेगरी कट ऑफ लास्ट ईयर RML और UCMS जो था 11-12000 तक गया था, बट इस साल वही कॉलेज 9000 में बंद हो गए, ठीक है। और OBC कैटेगरी के लिए LHMC जो लास्ट ईयर 14500 तक गया था, वो इस साल 14000 पे बंद हो गया। मतलब वो तो सेम चल रहा है LHMC, बट OBC की कट ऑफ थोड़ा सा हल्का सा इंक्रीज देखने को मिला है रैंक वाइज। तो अगर देखा जाए तो OBC कट ऑफ क्या बढ़ सकती है IPO के अंदर, क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जरूरी नहीं कि IPO कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगी, जरूरी नहीं कि IPO कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मैं आपको पूरा एक एग्जैक्ट बताऊंगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर से इस बार OBC की कट ऑफ MCC के थ्रू हल्की सी बढ़ी है, ठीक है। तो डरना नहीं है इस बात के लिए, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं फॉर द SC कैटेगरी के लिए। तो SC कैटेगरी का देखा जाए तो इस बार 49-48000 पर अप्रॉक्स एक एस्टिमेट आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। मैं तो इस बार UCMS RML मिल गया है, ठीक है, UCMS RML मिल गया है, और 69-68000 तक LHMC मिल गया फॉर SC कैटेगरी। ये बिल्कुल लास्ट ईयर जैसा ही यहाँ पर हाल है, ठीक है। तो लगभग लास्ट ईयर जैसा ही अपने को कहानी देखने को मिल रही है। और लास्ट ईयर जो NDMC अब अलॉट हुआ था वो 70000 तक भी हुआ था, ठीक है, 70-80000 तक। तो क्या इस बार ये भी लगभग सेम रहने वाला है? बाकी मैं इसका आपको बताऊँगा कि क्या होगा, ठीक है। और ST कैटेगरी के लिए इस बार देखा गया है कि जो 140000 के आसपास RML या UCMS मिल गया है, और LHMC 170000-180000 तक मिल गया है, जो कि लास्ट ईयर जैसा सिमिलर एक सिनेरियो देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी ST कैटेगरी के लिए। तो हमने जो डिस्कस किया कि जो सिनेरियो है, जनरल कैटेगरी कट ऑफ हल्की CMC के थ्रू कम हुई है रैंक वाइज, EWS की थोड़ी सी कम हुई है,
और ओबीसी की हल्का सा इंक्रीज देखने को मिला है, बिल्कुल माइनर सा, ठीक है। और देखा जाए तो एससी एसटी कैटेगरी जो भी कट ऑफ है वो लगभग लगभग सेम रही है। तो इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, इससे हम इंटरप्रेट ये कर सकते हैं, इस साल तो मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं निकली है ना, बट लेकिन एक बात जरूर समझ में आ रही है हम लोगों को, जो दिल्ली की मेरिट में जनरल कैंडिडेट्स कम हैं, क्योंकि लास्ट टाइम 2300 पे सीटें भर जाना मतलब जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ज़्यादा होना आगे की रैंक में, पर इस साल जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स कम हैं जो हाई स्कोर कर रहे हैं, और इडुलस के कैंडिडेट्स भी कम हैं जो हाई स्कोर कर रहे हैं, बट कुछ ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की मात्रा इंक्रीज़ हुई है इस साल, और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स एकदम सेम है रैंक वाइज बता रहा हूँ मैं आपको ये सब मामला, ठीक है। क्योंकि आप सोचोगे यार लास्ट टाइम 2300 रैंक पे इतने मार्क्स होंगे, पर इस साल 3000 रैंक में वही मार्क्स आ रहे हैं। नहीं, मार्क्स को कंपेयर मत करिए, रैंक को देखिए, हमेशा काउंसलिंग जब कराते हैं तो रैंक को देखा करिए, मार्क्स को मत देखा करिए, क्योंकि रैंक एक आपको एस्टिमेट आइडिया देती है कि आपसे कितने लोग आगे कितने लोग पीछे, मार्क्स आइडिया कभी नहीं देते, क्योंकि इट इज़ अ कॉम्पिटिशन, नीट एक कॉम्पिटिशन, यहाँ पर रैंक मैटर करती है, मार्क्स नहीं, ठीक है ज़्यादा। तो अपने को देखने को मिला कि जो एम सी कट ऑफ जो आई है, जो राउंड की आई है, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला, ठीक है, कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ थोड़ी सी कम हुई है, ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी कम हुई है, बट ओबीसी की हल्की सी इंक्रीज हुई है, और एससी एसटी के लगभग लगभग सेम है। तो इससे हम लोग आईपीयू कट ऑफ जानने के लिए एक बढ़िया आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मेरिट नहीं आई है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो कट ऑफ है आइडिया कितनी रह सकती है, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो बनाने के लिए मेहनत लगती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आईपीयू कट ऑफ क्या जा सकती है, पूरी एग्जैक्टली डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। और मैंने आपको देखा बताया कि जो आपकी जो आपने ऑब्वियसली बात है, आपने जो सारी कट ऑफ्स हैं अपनी कैटेगरी वाइज आपने देख ली होंगी क्या किस पे क्या मिला है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है हम लोगों को। तो मैंने आपको एक इंटरप्रिटेशन दिया कि आप एनालिसिस को बताया कि इससे आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आईपीयू कट ऑफ क्या होती है, राउंड 1 राउंड 2 और मॉपअप राउंड तक की, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।